हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 12। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व किया था और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं और इन प्रॉब्लम्स को पहले हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, देन इनको सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने एक फर्नीचर डीलर की एग्जांपल ली थी, उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे डाइट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एलोकेशन प्रॉब्लम, और इन क्वेश्चंस को हम पहले मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, देन इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 केजी ऑफ फ्लोर एंड 1 केजी ऑफ फैट। अज्यूमिंग दैट देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स यूज इन मेकिंग द केक। हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि हमने दो तरह के केक बनाने हैं। जो फर्स्ट काइंड ऑफ केक है उसमें 200 ग्राम फ्लोर और 25 ग्राम फैट की रिक्वायरमेंट है, और जो सेकेंड काइंड ऑफ केक है उसमें हमें 100 ग्राम फ्लोर और 50 ग्राम फैट की रिक्वायरमेंट है, और हमने फाइंड करने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ केक दोनों, ये फर्स्ट काइंड के और सेकंड काइंड के। और हमारे पास गिवन है कि 5 केजी आटा गिवन है और 1 केजी फैट गिवन है। हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट काइंड ऑफ केक जो हमारे पास बनेंगे उनकी संख्या होगी x, और जो सेकंड काइंड ऑफ केक हम बनाएंगे उनकी संख्या होगी y, ठीक है। और जो x और y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, x और y नॉन नेगेटिव होंगे। डाटे को हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये मैंने डाटे को टेबल की फॉर्म में लिख लिया है जी। तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ हम फटाफट देख लेते हैं। ये है जी केक ऑफ फर्स्ट काइंड, उसे हमने क्या मान लिया हुआ, एक्स मान लिया हुआ है, और उसे बनाने के लिए 200 ग्राम फ्लोर की जरूरत पड़ती है और 25 ग्राम फैट की जरूरत पड़ती है। जो सेकेंड काइंड ऑफ केक है उसकी संख्या हमने मान ली है वाई बन जाएंगे यहाँ पे। टोटल हमारे पास जो आटा है वो 5 केजी है और जो फैट है वो 1 केजी है, और इसमें 100 ग्राम फ्लोर की जरूरत पड़ती है एक एक बनाने में और फैट की जरूरत पड़ती है 50 ग्राम, ठीक है। तो मैक्सिमम हमें आटा कितना गिवन है 5 केजी, उसे मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ये बन गया 5000 ग्राम, और फैट हमारे पास गिवन है 1 केजी, उसे हमने मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ये बन गया 1000 ग्राम। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। तो यहाँ पे देखिए उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। तो फर्स्ट काइंड ऑफ हम केक कितने बना रहे हैं एक्स, ये हमने लेट कर लिया, और सेकंड काइंड ऑफ जो केक हमारे पास बनेंगे वो बनेंगे जी वाई। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, टोटल नंबर ऑफ केक्स, और इसे हमने प्रूव करना है मैक्सिमाइज। तो चलिए हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट यहाँ पे लेते हैं। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए जो फर्स्ट काइंड ऑफ केक है, एक केक बनाने में हमें 200 ग्राम आटे की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास टोटल कितने केक बनेंगे फर्स्ट काइंड, वो है जी एक्स। तो फिर टोटल कितना आटा इसमें यूज हो जाएगा, 200 × x प्लस सेकेंड काइंड ऑफ जो केक है उनकी संख्या कितनी है वाई, और एक केक में कितना आटा जरूर यहाँ पे यूज़ होता है 100 ग्राम। तो फिर हमारे पास कितना आटा टोटल लग जाएगा इसमें 100 × y, और हमें मैक्सिमम आटा कितना दिया है 5 केजी, दैट इज 5000 ग्राम, और ये हमारी फर्स्ट कंस्ट्रेंट बन गई। और इसे हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, 100 से आप डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा ये 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है। सेकेंड कंस्ट्रेंट बनाते हैं जी। सेकेंड हमारे पास क्या यहाँ पे आइटम है, फैट।
फर्स्ट काइंड ऑफ जो केक है उसे एक केक बनाने के लिए 25 ग्राम फैट की जरूरत है। तो हमारे पास कितने केक बनने जा रहे हैं? एक्स। तो टोटल कितना फैट जरूर यहाँ पे यूज हो जाएगा? 25x। प्लस जो सेकेंड काइंड केक है और उनकी संख्या है वाई, और एक केक में जो फैट जरूर जो यूज हो रहा है वो है 50 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया जी? 50 × y। और हमारे पास मैक्सिमम फैट गिवन कितना? 1000 ग्राम। ये हमारे पास क्या जी? सेकेंड कंस्टेंट बन गई। और इसे आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये 25 से डिवाइड करते हैं, ये एक्स आ जाएगा, ये 2y आएगा, और ये कितना आएगा जी? 40। और इसे पूरे जो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कंस्टेंट बनी है इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। ये देखिए, तो हमने क्या फिर फाइंड करना है? मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्टेंट एक्स 2x+y लेस देन इक्वल टू 50, x+2y लेस देन इक्वल टू 40, और एक्स वाई कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलिए फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो इनक्वेलिटीज़ है हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले इनक्वेलिटी को हम ले लेते हैं और इसे हम लेट कर लेते हैं 2x+y इज इक्वल टू 50, ठीक है? और ये क्या बन गई? इक्वेशन ऑफ ए लाइन बन गई। और इक्वेशन ऑफ लाइन का हमने ग्राफ ड्रा करना है तो हमें कम से कम दो पॉइंट चाहिए जिनसे ये लाइन पास करे। यहाँ पे हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। हमारे पास जो सिंपलेस्ट मेथड है वो क्या है कि आप एक्स को 0 पुट कर दें, वाई की वैल्यू निकाल लें, कितनी बन गई जी? 50। फिर वाई को 0 पुट कर दें और एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लें, कितनी आएगी जी? 25। ठीक है, नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे और रिजन टेस्ट कि इस इनक्वेलिटी का जो शेडेड पोर्शन है वो टुवार्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो उसके लिए हम टेस्ट करेंगे और इस इनक्वालिटी में फर्स्ट वाली इनक्वालिटी में हम पुट कर देंगे तो ये बन गया 0 < 50। और चेक करें क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर तो ट्रू है तो इसका जो शेडेड पोर्शन है वो टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा, अगर फॉल्स आएगा तो ये होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे देखिए ट्रू आया तो ये टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा। तो चलिए फिर हम इसे ड्रा कर लेते हैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गई। तो क्या पॉइंट है जी? पहला पहला है जी 0 50, मतलब एक्स 0 y 50। एक्स 0 तो वाई 50, ये है जी मेरे पास पॉइंट। सेकंड पॉइंट है एक्स 25 और वाई 0। तो यहाँ पे वाई जो है वो 0 है और एक्स कितना है? 25। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो मेरे पास ये बन गया। और जो शेडेड पोर्शन है वो किस तरफ आएगा जी? डाउनवर्ड, क्योंकि ये यहाँ पे आपका ओरिजिन है। चलिए फिर सेकेंड इनक्वालिटी ले लेते हैं। सेकेंड इनक्वालिटी क्या है? उसे हम लेट कर लेते हैं जी, लेट एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे भी हमने इसे ड्रा करना है तो हम एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे। तो सिंपलेस्ट वे हमारे पास क्या कि एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो वाई कितना गया जी? 20। फिर वाई को आप 0 पुट कर दें, एक्स कितना वैल्यू? ठीक है, टेस्ट करेंगे ओरिजिन टेस्ट की इसका जो शेडिंग पोर्शन है वो टुवार्ड्स द ओरिजिन है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो आप सेकेंड इनक्वालिटी में पुट कर दें ओरिजिन 0 0, तो ये अगर 0 + 0 < 40 और ये क्या है? ट्रू है। तो ट्रू है तो फिर इसका जो शेडेड पोर्शन है वो किस तरह हुआ? टुवार्ड्स द ओरिजिन। तो चलिए इस लाइन को ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? एक्स 0 और वाई 20। एक्स 0, यहाँ पे एक्स 0 और वाई कितना है? 20। सेकेंड एक्स 40 और वाई 0, यहाँ पे एक्स 40 और वाई 0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है? और इसका जो शेडेड पोर्शन है वो आएगा डाउनवर्ड क्योंकि ओरिजिन आपका कहाँ पे है? यहाँ पे ओरिजिन है। तो इसे हम हमारे पास शेडेड पोर्शन कौन सा हो गया? ये सारा नीचे वाला होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो थर्ड इनक्वालिटीज हैं इसे चेक करो, यहाँ पे है एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मीनिंग है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, और वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होती है। तो इसलिए फिर आपका जो ग्राफ है वो आपका
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, मतलब वहीं पे रिस्ट्रिक्ट रहेगा, आगे जो है सेकंड थर्ड या फोर्थ में वो नहीं शेडेड होगा। तो चलिए फिर से शेड कर लेते हैं। ये मेरे पास शेड हमने कर दिया है और अब मेरे पास ये आ गया सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटी जो हमें गिवन थी। तो यहाँ पे आप देखें ये ओरिजिन है और यहाँ पे इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं जी, और इसके क्वाड्रेंट क्या है जी 25.0, और ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन है और इसे हम बी मान लेते हैं। तो इसका हमारे पास यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन है जी 2x + y इज इक्वल टू 50। इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन है जी 2x + y इज इक्वल टू 40। तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आएगा 2x + 4y इज इक्वल टू 80। तो इसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस ये कैंसिल, ये आ गया जी -3y और यहाँ पे आ गया -30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई जी 10, और y की वैल्यू 10 आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो मेरे पास यहाँ पे x क्या आ जाएगा, ये देखो y इस तरफ जाएगा 40, 42 से डिवाइड करेंगे 20। तो क्या क्वाड्रेंट बन गया जी 20.10, और ये क्या है सी है तो इसे हम सी मतलब इसको लेट कर लेते हैं, और इसके क्वाड्रेंट क्या है 0.20। तो आपके पास सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसे फाइंड करने हैं, और कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ से फाइंड होते हैं कि जो शेडेड पोर्शन होता है उसके जो कॉर्नर पे जो पॉइंट है वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो अब हमने क्या करना है, इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर ये जो मैक्सिमाइज हमने प्रूव करना है जेड, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं। हाँ जी, द कॉर्नर पॉइंट्स, तो पहला ओरिजिन है 0.0, सेकेंड है जी ए पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट है जी 25.0, थर्ड है जी बी पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट है जी 20.10, और लास्ट है आपके पास सी और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं जी 0.20। और हमने इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलो जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे एक मैंने टेबल बना लिया है और यहाँ पे 10 by 10 वैल्यू लेते हैं। पहले ओरिजिन ले लेते हैं जी 0.0, तो जेड की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आएगी। ए पॉइंट ले लेते हैं, उसके क्वाड्रेंट क्या है जी 25.0, तो जेड की वैल्यू क्या बन जाएगी जी 25। वी पॉइंट ले लेते हैं और उसके क्वाड्रेंट है जी 20.10, और जेड की वैल्यू क्या बन जाएगी 20 + 10 इज इक्वल टू 30। ठीक है जी, और फोर्थ पॉइंट है सी और उसके क्वाड्रेंट कितने 0.20, वैल्यू पुट करें जी ये बन गया जी 20। तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर। अब अगला काम क्या है कि हमने अब देखना है कि इन जो जेड की वैल्यू हमारे पास आई है इनमें सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 30। तो यहाँ पे जो जेड है इज इक्वल टू 30 इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम एट बी और उसके कोऑर्डिनेट है 20.10। लेकिन ये जेड जो है मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा अगर ये हमारा जो शेडेड पोर्शन है जो हमारा फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फिजिबल रीजन बाउंडेड है, तो फिर हमारा आंसर क्या आ गया कि जेड इज इक्वल टू 30 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट, इट टेक 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स। इट टेक 3 hour ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बोल्ट्स। He earns a profit of ₹17.50 per package on the nuts and ₹7 per package on bolts. How many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit? He operates his machine for at most 12 hours a day.
क्या क्वेश्चन है कि एक मैन्युफैक्चरर नट्स और बोल्ट्स प्रोड्यूस करता है और मशीन ए पे 1 घंटा काम करने पर और मशीन बी पे 3 घंटा काम करने पर एक पैकेट जो है नट्स का तैयार होता है। सेकंड है कि 3 घंटे मशीन ए पे और 1 घंटा मशीन बी पे काम करके एक पैकेट ऑफ बोल्ट जो है वो तैयार होता है। कहता है कि वो अपना प्रॉफिट अर्न करता है कैसे, अगर वो एक पैकेट ऑफ नट का बेचे तो उसको प्रॉफिट होता है जी 17 रुपीज़ 50 पैसा, और अगर वो एक पैकेट ऑफ बोल्ट का सेल करता है और उसको प्रॉफिट होता है ₹7। उसकी जो मशीन है ए और बी वो मैक्सिमम जो है वो 12 आवर ही पर डे जो है वो वर्क करती है। ठीक है, फाइंड क्या करना चाहते हैं हम, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो पैकेट ऑफ नट्स हैं वो एक्स जो है यहाँ पे बनेंगे और जो पैकेट ऑफ बोल्ट हैं वो यहाँ पे वाई प्रोड्यूस होंगे, और ऑब्वियसली यहाँ पे वो एक्स और जो वाई है वो नॉन नेगेटिव होंगे, और इस पूरे डाटे को हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो हमने इस पूरे डाटे को एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया है, ये देखें जी। तो यहाँ पे हम फटाफट देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, समराइज करके देख लेते हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, नट्स और बोल्ट्स, मतलब फाइंड नहीं करना, हमने प्रोड्यूस करने हैं नट्स और बोल्ट्स। तो हमने नट्स कितने प्रोड्यूस करने हैं, हमने मान लिया कि एक्स प्रोड्यूस होंगे, और बोल्ट कितने प्रोड्यूस होंगे, हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि वाई बोल्ट जो है मतलब पैकेट ऑफ बोल्ट जो वो वाई प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब देखिए जी, यहाँ पे एक नट को तैयार करने के लिए मशीन ए पे हमें 1 घंटा काम करना पड़ता है और मशीन बी पे 3 घंटा काम करना पड़ता है, तब हमें एक पैकेट ऑफ नट मिलता है। सिमिलरली जो बोल्ट है वो मशीन ए पे 3 घंटा काम करने पर और मशीन बी पे 1 घंटा काम करने के बाद हमें एक पैकेट ऑफ बोल्ट जो है वो तैयार मिलता है। ठीक है, और अवेबिलिटी क्या है कि जो मशीन ए है वो 12 घंटे के लिए काम करती है और मशीन बी भी 12 घंटे के लिए काम करती है 1 दिन में। ठीक है, और दूसरा एक नट का जो पैकेट है उसको बेचने पर उसको 17.5 रुपये का प्रॉफिट होता है, और बोल्ट को बेचने पर से मतलब पैकेट ऑफ बोल्ट को बेचने पर उसको 7 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो हमने फाइंड करना उसका मैक्सिमम प्रॉफिट, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी जेड से। ठीक है, तो एक पैकेट ऑफ नट्स को बेचने के लिए बेचने पर उसे प्रॉफिट होता है 17.5 रुपये, और कितने पैकेट ऑफ नट्स हैं जी एक्स, तो टोटल उसका प्रॉफिट कितना बन जाएगा 17.5 × x प्लस एक पैकेट ऑफ बोल्ट्स को सेल करने पर उसको जो प्रॉफिट होता है वो होता है जी 7 रुपीज़, और कितने यहाँ पे पैकेट ऑफ बोल्ट्स बनेंगे वाई, तो वाई से आप मल्टीप्लाई करते, तो ये मेरे पास जेड आ गया जी, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसे हमने प्रूव करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, तो चलिए फिर हम पहली कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे देखते हैं कैसे बनेगी। यहाँ देखिए जी, एक नट को पैकेट ऑफ नट को तैयार करने के लिए मशीन एक कितना टाइम लेती है 1 घंटा, तो एक्स नट्स को तैयार करने में कितना टाइम लेगी जी एक्स आवर। ठीक है, और जो बोल्ट है मशीन ए पे वो 3 घंटा तैयार करने के लिए हमें टाइम चाहिए, मतलब 3 घंटे टाइम लेता है वो, हमारे पास बोल्ट कितने हैं वाई, तो फिर टोटल कितना टाइम लगेगा जी 3 वाई, और हमारे पास जो मशीन है 1 दिन में कितने घंटे काम करती है 12 आवर, तो हमारे पास हो गया लेस देन इक्वल टू 12, मैक्सिमम कितनी है 12 है, तो उससे कम हो सकती है उससे ज़्यादा नहीं मशीन चल सकती। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी फर्स्ट कंस्ट्रेंट आ गई। सेकेंड कंस्ट्रेंट देखिए कैसे बनेगी, मशीन बी जो है जो नट है वो मशीन बी पे 3 घंटे काम करने पर बनता है, तो एक्स नट कितना टाइम लेगा जी 3x। सिमिलरली जो बोल्ट है वो मशीन बी पे कितना टाइम लेता है 1 घंटा, एक बोल्ट मतलब एक पैकेट ऑफ बोल्ट, तो हमारे पास कितने पैकेट ऑफ बोल्ट हैं वाई, तो कितना टाइम ले लेगा टोटल जी वाई, तो
हमारे पास टोटल मशीन में टाइम कितना देती है मशीन हमें, एक दिन में कितनी मशीन चलती है 12 घंटे, हमारे पास ये सेकंड कंस्टेंट होगी, ठीक है जी। और इसे हम जो है क्या इसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ये देखिए, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है जी सेट ऑफ लीनियर इनक्वेलिटी। तो फर्स्ट हम लेट करेंगे एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 12, और ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन है और हमने इसे ड्रा करना है। तो लाइन कम से कम दो पॉइंट से पास करेगी, तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट फाइंड कर लेने जहाँ से ये लाइन पास करेगी। तो यहाँ पे ये बॉक्स बना लेते हैं एक्स वाई, और हमारा बेस्ट मेथड है कि ये जो इक्वेशन है इसमें हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 4। फिर आप वाई की वैल्यू जीरो पुट करते हैं और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 12। ये दो पॉइंट आ गए। अब हमने फाइंड करना है कि इस इनक्वेलिटी का जो शेडेड पोर्शन है वो टुवार्ड्स द ओरिजिन रहेगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जी, ओरिजिन टेस्ट, और इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0। तो फर्स्ट इनक्वेलिटी में आप पुट करके देखें तो ये आ गया जी 0 less than 12। अगर ये इनक्वेलिटी ट्रू है तो जो शेडेड पोर्शन है वो टुवार्ड्स द ओरिजिन रहेगा। अगर ये इनक्वेलिटी फॉल्स है तो जो शेडेड पोर्शन है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रू है जी, तो फिर हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो टुवार्ड्स द ओरिजिन रहेगा। तो इसे हम ड्रा कर लेते हैं, ये देखें जी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0, 4, मतलब एक्स कितना है 0 और वाई कितना है जी ये 4, ये पहला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट है एक्स जो है वो 12 है और वाई 0 है, तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं और जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो आएगा जी डाउनवर्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ओरिजिन जहाँ पे है। अब हम सेकेंड इनक्वेलिटी को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड इनक्वेलिटी मेरे पास है जी, लेट 3x प्लस वाई को हम इक्वल टू मान लेते हैं 12 के, और ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन बन गई और हमने इसके लिए भी दो पॉइंट यहाँ पे फाइंड करने हैं यहाँ से ये लाइन पास करेगी, ठीक है। तो ले लीजिए बॉक्स बना ली हमने, x की वैल्यू आप 0 पुट करें और यहाँ पे y कितना है 12, फिर आप y की वैल्यू 0 पुट करें और x कितना आ जाएगा जी 4, और फिर हम टेस्ट लेंगे 0, 0 और चेक करेंगे कि इस इनक्वेलिटी का जो शेडेड पोर्शन है वो किस तरह का, टुवार्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो आप सेकेंड इनक्वेलिटी में ये 0, 0 जो है कोऑर्डिनेट यहाँ पुट करें तो ये अगर 0 less than 12, और ये क्या जी ट्रू है। तो फिर इस इनक्वेलिटी का भी जो शेडेड पोर्शन है वो टुवार्ड्स द ओरिजिन रहेगा। तो यहाँ पे हम इसे ड्रा कर लेते हैं, पहले इसके ना पॉइंट ले लेते हैं, एक्स कितना है 0, वाई कितना है 12, ये है जी पॉइंट, और सेकेंड है एक्स 4 और वाई कितना है 0, ये सेकेंड पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, और शेडेड पोर्शन किस तरफ है, ये टुवार्ड्स द ओरिजिन, तो ये इस तरफ इसकी डायरेक्शन आएगी। नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, इसका मीनिंग है कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, फिर हमारा जो ग्राफ आएगा वो हमारा रिस्ट्रिक्ट रहेगा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना तो सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ में जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका हम ग्राफ यहाँ पे ये शेडेड पोर्शन हम ले लेते हैं इसका, ठीक है, दोनों का ग्राफ यहाँ पे हमने ले लिया और ये हमारे पास शेडेड पोर्शन बन गया। और इस शेडेड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, ठीक है जी। और अब हमने क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करेंगे इसके कॉर्नर पॉइंट्स। तो इस पॉइंट को आप ए लेट कर लें और इसके पॉइंट बन गए जी 4, 0, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, तो इसके हमने कॉर्नर पॉइंट है जी हमारा, तो इसके हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये जी येलो और जो रेड लाइन है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो मेरे पास पहली इक्वेशन है 3x + 3y = 12, और सेकंड है जी 3x + y = 12। तो इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 9x, 3y और 36। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस ये आ गया जी -8x और ये कैंसिल, ये आ गया जी -24 और x की वैल्यू कितनी आ गई जी 3। तो आप फर्स्ट इक्वेशन में x वैल्यू 3 जो है पुट करें तो y कितना आएगा, वो भी आपके पास 3 आएगा। तो v के जो कोऑर्डिनेट हैं वो बन गए जी 3, 3, और ये c है तो c के जो कोऑर्डिनेट है वो है जी 0, 4। तो हमारे पास सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए,
ठीक है, जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पे जो पॉइंट होंगे वो हमारे कॉर्नर पॉइंट होंगे। और अब हमने इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर जेड की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, और फिर हम उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमने लिखनी है, वो हमारा आंसर रहेगा, उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं। द कॉर्नर पॉइंट्स आर, द कॉर्नर पॉइंट्स, पहला जो ओरिजिन 0,0, सेकेंड है ए और उसके कोऑर्डिनेट है जी 4,0, थर्ड है जी बी और उसके कोऑर्डिनेट है 3,3 और लास्ट वन है सी और उसके कोऑर्डिनेट है 0,4। तो इनकी वैल्यू वैल्यूड कर लेते हैं जी। तो ये हमने एक यहाँ पे टेबल बना लिया है, तो वैल्यू लेते हैं टर्न में टर्न। ये आ गया जी, पहले ओरिजिन पे वैल्यू लेते हैं जेड की, ओरिजिन पे कितनी वैल्यू आएगी, 0 आएगी। पॉइंट ए पे कैलकुलेट करते हैं, ये 4,0 और जेड कितना आ गया जी 17.5 × 4, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 70। ठीक है, पॉइंट बी पे फाइंड करते हैं, बी के कोऑर्डिनेट क्या है जी 3,3, तो जेड की वैल्यू क्या जाएगी जी 17.5 × 3 प्लस 7 × 3, तो ये बन गया जी 17 51 और ये बन गया 52.5 + 21 और ऐड करें आप तो ये बन गया जी 73.5। और सी पे वैल्यू निकालते हैं, सी पे जो कोऑर्डिनेट है वो 0,4 है और जेड की वैल्यू आएगी 7 × 4 = 28। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन चारों वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये आएगी यहाँ पे क्या आएगा जी जेड इज इक्वल टू 73.5 इज मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट, कौन सा जी बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 3,3। ठीक है जी, तो ये इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू होगी अगर ये जो फिजिबल रीजन है वो क्लोज होना चाहिए, मतलब बाउंडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड है। ठीक है जी, ये क्या है, बाउंडेड है। तो फिर हमारा ये जो जेड है 73.5 यही इस क्वेश्चन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा। चलिए फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ये डाइट इज टू कंटेन एट लीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। टू फूड F1 एंड F2 आर अवेलेबल। फूड F1 कॉस्ट ₹4 पर यूनिट फूड एंड F2 कॉस्ट ₹6 पर यूनिट। वन यूनिट्स ऑफ फूड F1 कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए 4 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स एंड वन यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। फॉर्मूलेट दिस एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फॉर द डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज टू फूड्स एंड ऑल्सो मीट द मिनिमल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि एक डाइट है जिसमें कम से कम 80 यूनिट विटामिन ए है और 100 यूनिट्स मिनरल्स हैं। दो तरह के फूड हमारे पास F1 एंड F2। जो F1 फूड है उसका जो कॉस्ट है पर यूनिट वो है जी ₹4 और F2 फूड का जो कॉस्ट है पर यूनिट वो है जी ₹6। F1 फूड में 3 यूनिट विटामिन ए है और 4 यूनिट मिनरल्स हैं और F2 फूड में 6 यूनिट विटामिन ए हैं और 3 यूनिट मिनरल्स हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट है डाइट की जो वो फाइंड करनी है और जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है मिनिमम उसको भी हमने ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जो फूड F1 है वो X यूनिट्स हैं और जो फूड F2 है वो Y यूनिट्स है। ठीक है, और ये X और जो Y है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, दैट इज़ नॉन नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास डाटा गिवन है हम इसे एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखिए जो मैंने टेबल की फॉर्म में लिख लिया हुआ है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या क्या है, फूड F1 है जिसे हमने क्या मान लिया, X यूनिट्स मान लिया और उसमें विटामिन ए कितने जी 3 यूनिट्स हैं और मिनरल्स कितने यूनिट्स हैं 4 यूनिट्स हैं और उसका जो कॉस्ट है वो है जी ₹4। सिमिलरली जो फूड F2 है उसके हमने Y यूनिट्स मान लिए हैं और उसमें विटामिन कितने हैं 6
मिनरल्स कितने हैं, 3 यूनिट्स, और उसका रेट कितना है पर यूनिट, वो है जी 6 रुपीज़। और हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि जो विटामिन ए है वो 80 यूनिट्स मिनिमम होनी चाहिए, और जो डाइट में मिनरल्स होने चाहिए वो 100 यूनिट्स मिनिमम होने चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम जो है वो 80 विटामिन होने चाहिए और 100 मिनरल्स होने चाहिए उस डाइट में। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि हमने इसका मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है डाइट का। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए जी, जेड से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और एक यूनिट जो फूड F1 है उसका कॉस्ट कितना है जी, 4 रुपीज़, और कितने यूनिट्स हमने लेट किए एक्स, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा जी 4x, प्लस जो फूड F2 है उसके हमने y यूनिट्स लेट किए हैं और एक यूनिट का रेट है ₹6, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी जी 6x। और ये हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। ठीक है जी, अब हम ना कंस्ट्रेंट फाइंड करते हैं, तो पहली कंस्ट्रेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए, विटामिन ए जो है वो फूड F1 में कितना है जी 3 यूनिट्स, एक यूनिट फूड में, तो हमारे पास कितने यूनिट फूड हैं एक्स, तो फिर टोटल विटामिन कितने आ जाएंगे 3x, प्लस जो फूड F2 है उसके एक यूनिट में विटामिन ए कितना है 6, और हमारे पास कितने यूनिट्स हैं y, तो इसमें फूड F2 में कितने विटामिन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जी 6y, और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है विटामिन की वो कम से कम कितनी है, वो हमारे पास है कम से कम 80, कम से कम मतलब इक्वल, इस इन दोनों का सम 80 के इक्वल होना चाहिए या उससे ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंस्ट्रेंट आ गई। सेकंड कंस्ट्रेंट देखें जी, फूड F1 में जो मिनरल्स हैं वो कितने यूनिट्स हैं, एक यूनिट्स में कितने हैं 4 यूनिट, तो फूड F1 के कितने यूनिट्स हमने लेट किया एक्स, तो टोटल मिनरल्स कितने आ जाएंगे जी 4x, प्लस और फूड F2 में जो मिनरल्स हैं एक यूनिट में कितने हैं 3, और हमने लेट किए हैं y यूनिट, तो टोटल जो मिनरल्स आ जाएंगे वो आएंगे जी 3y, और इसकी भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 100 है या ये 100 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आया है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, कंस्ट्रेंट्स आ गई, और ये मेरे पास क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो क्या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या फाइंड करना हमने, मिनिमाइज फाइंड करना हमने जेड इज इक्वल टू 4x प्लस 6y। ठीक है, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या है, 3x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और सेकेंड है 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, और x और y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो चलिए फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो मैंने इस इनक्वालिटी को मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा है, यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ वगैरह सारा ड्रा करके रखा है। तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हमने कर लिया है। सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हमने फाइंड करना है कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं कि जो शेडेड पोर्शन होता है, जो फिजिबल रीजन होता है, उसके कॉर्नर पे जो पॉइंट आएंगे वो हमारे कॉर्नर पॉइंट आएंगे। यहाँ पे क्या क्या कॉर्नर पॉइंट है, पहला कॉर्नर पॉइंट तो ये देखें जी, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह विजिबल हो जाएगा। ये देखिए जी, ये है जी फर्स्ट हमारा कॉर्नर पॉइंट। ये कैसे बना, ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो ग्रीन वाली लाइन आ रही है, इनका इंटरसेक्शन है, और इसे हमने ए लेट किया है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 80/3,0। सेकंड बी है, ये जी सेकंड बी, बी क्या है, ये जो ग्रीन और ब्लू लाइन है इनका इंटरसेक्शन है, और इसके कोऑर्डिनेट है जी 24,4/3। और थर्ड हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है सी, और जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, 100/3, और यहाँ पे भी। तो ये हमारे तीन कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अगला स्टेप क्या है कि इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर हमने जेड की वैल्यू एवेल्यूएट करनी है। तो चलिए जेड की वैल्यू एवेल्यूएट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम जेड की वैल्यू वैल्यूएट करेंगे। तो पॉइंट ए पे चेक करते हैं पहले,
तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 80 अपॉन 3, 0। तो जेड की वैल्यू ध्यान से देखिए, 4 × 80 अपॉन 3, अगला 0 हो जाएगा, यह आएगा जी 320 अपॉन 3, आप इसे डिवाइड कर लें 106.67, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड हम ले लेते हैं बी पे वैल्यू, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 24.4 अपॉन 3, और जेड की वैल्यू फाइंड करें जी, 4 × 24 प्लस 6 × 4 अपॉन 3, क्या वैल्यू बनेगी, ये जी बन गया 96 प्लस, ये काट दो इसके साथ, ये आ गया जी 8, और हमारे पास कितना आंसर आएगा जी 104। और थर्ड पॉइंट पे हम ले लेते हैं, थर्ड पॉइंट पे हम ले लेते हैं सी पे, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या है, 0.100 अपॉन 3, और जेड की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो 0 है तो पहला तो 0 हो जाएगा, दूसरा आएगा 6 × 100 अपॉन 3, आप इसे यहाँ पर काट दें, ये आ गया जी 200। तो हमारे तीन जो पॉइंट हैं, जो कॉर्नर पॉइंट है, उनके ऊपर जेड की वैल्यू आ गई। हम फाइंड क्या करना चाहते हैं जी, मिनिमम कॉस्ट, यहाँ ध्यान दे जी मिनिमम। अब इन तीनों जो वैल्यू आई हमारे पास, तीन वैल्यू, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा, तो इन तीनों में से कौन सी मिनिमम वैल्यू है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन होगी जी, देखें जी, ये देखिए 104 हमारी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पे हम लिखेंगे तो जेड इज इक्वल टू 104 इज मिनिमम कॉस्ट, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिख देते हैं, कॉस्ट लिख दो, मिनिमम वैल्यू एट क्या पॉइंट है जी, बी पॉइंट है 24.4। लेकिन ये जो जेड है, इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू हो सकता है अगर आपका जो फिजिबल रीजन है वो क्लोज्ड है, बाउंडेड है। तो यहाँ पे देखिए, क्या ये जो फिजिबल रीजन है बाउंडेड है, नहीं है, ये हमारा अनबाउंडेड है। फिर हम कैसे चेक करेंगे, तो हमने एक इनक्वालिटी को का ग्राफ ड्रा करना है, वो इनक्वालिटी क्या है ये देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरीके से हमने वहाँ पढ़ा है, तो हमारे पास क्या वो इनक्वालिटी, 4x प्लस 6y less than 104, यहाँ पे 4x 6y क्या है, ये जो z होता है वो है, और लेस देन 104 क्या है, जहाँ पे जो हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड किया है। अब हमने इस इनक्वालिटी का ग्राफ ड्रा करना है, और फिर हमें चेक करना है कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ जो है वो फिजिबल रीजन के साथ कहीं कॉमन पॉइंट तो नहीं है। तो चलिए फिर इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 104, ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा जी 2x प्लस 3y और 52। तो ग्राफ हम ड्रा करेंगे, तो हमें दो पॉइंट चाहिए जी मिनिमम, यहाँ पे दो पॉइंट हम ले लेते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। तो आप x 0 पुट करेंगे, तो जब x 0 पुट करेंगे यहाँ पे देखिए, तो y कितना आएगा 52/3, दैट इज 17.3, और फिर आप y 0 पुट करें, यहाँ y 0 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा जी 26। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गए, तो यहाँ पे हम पॉइंट यहाँ पे लेते हैं कितना 70.3, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा ये। और सेकंड पॉइंट है एक्स कितना है 26 और वाई कितना है 0, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट है 25 और ये है 26। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये देखिए ठीक है जी। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि इस इनक्वालिटी का जो शेडेड पोर्शन है वो किस तरफ आएगा, टुवार्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं जी 0.0। तो आप इनक्वालिटी में पुट करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनक्वालिटी यहाँ पे 0.0 और लेस देन यहाँ पे 52 आ जाएगा। तो ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये ट्रू है जी। अगर ट्रू है तो फिर आपका शेड्यूल क्वेश्चन क्या होगा, टुवार्ड्स द ओरिजिन। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिन कहाँ है आपका, ये है जी ओरिजिन, तो फिर इसका शेड्यूल पोर्शन क्या है, नीचे की तरफ हुआ, ये देखेंगे इसका शेड्यूल पोर्शन कहाँ आ गया, नीचे की तरफ। अब आप देखेंगे क्या ये जो शेड्यूल पोर्शन अभी आया है इस इनक्वालिटी का,
क्या फिजिबल रीजन के साथ कहीं कोई कॉमन पॉइंट है इसका? नहीं है, देख यहाँ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो ये कॉमन पॉइंट नहीं है तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि ये जो जेड इज इक्वल टू 104 है, ये इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू है या मिनिमम कॉस्ट है। ठीक है जी, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो चैप्टर था 12 में जो फिनिश हुआ, और आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके उसे आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल।